नमस्ते, कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कितने डिजाइन के और कितने कुशन कवर्स हैं। मतलब आप एक तरह कह सकते हैं कि कुशन कवर्स का कलेक्शन जो कि मैंने लागे रख रखा है सारा यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊंगी। और साड़ी आज मैंने इसलिए पहननी है क्योंकि आज मेरा अष्टमी का व्रत है, तो व्रत के बाद मैं पूजा वूजा करके बैठी थी तो सोचा चलो आपके साथ थोड़ी बातें हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास कौन कौन से कुशन हैं देखते हैं। चलो शुरू करते हैं देखना। देखो एक मेरे पास ये है, इनमें वर्क हो रखा है, कुछ उलन जैसा वर्क है, उलन धागे से। ठीक है, इसमें से ये पीछे बटन लगे हुए हैं। ये मेरे पास 5 का सेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास ये भी 5 का सेट है। इसको बिछा के एकदम गांव वाली फीलिंग आती है। देखो ये भी मेरे पास 5 है। फिर मेरे पास ये है, ये मेरी एक बेडशीट है डबल बेड की, उसके साथ 2 हैं। ये मेरे पास 2 का सेट है। इसी ये डिजाइनर में मेरे पास ये ब्लैक कलर के हैं, इधर से प्लेन है, इधर से इस पर ये कुछ सनील का कपड़ा है, ऐसा ही ये एक और है इसके साथ। ये भी मेरे पास 2 का सेट है। फिर जो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ, ये आप देखिए इस तरह के हैं। ये भी मेरे पास 5 हैं। ये भी मेरे पास 5 हैं। फिर थोड़ा लाइट कलर, ये गोल्डन कलर में है। ये भी मेरे पास 5 हैं। और ये फैदर का कपड़ा है, ये मैंने कपड़ा लाके अपने आप बनाए हैं। 5 कुशन और 2 ये राउंड पिलो कवर। मुझे एक बहुत बड़ा पीस मिल गया था जब मैं देवबंद रहती थी, तो तब मैं वहाँ से कपड़ा लाई थी ये, और इसमें से मैंने 5 ये बना रखे हैं। ये मैंने इधर देखो पीछे ऐसे प्लेन कपड़ा लगा के और जिप लगा के, इसमें ऐसे जिप लगा के तब बना रखे हैं। ये भी मेरे पास 5 हैं। ऐसे ही ये वाइट में है, इनके चारों तरफ फ्रिल लगी हुई है, इस पे थोड़ा सा मिरर वर्क हो रखा है, थोड़ी सी कढ़ाई है और मिरर वर्क है। ये भी मेरे पास 5 हैं। ये हैं मल्टी कलर के, ब्लू रेड पिंक येलो और ये ऑरेंज सा शेड है। ये भी फैदर से का कुछ कपड़ा है, ये अलग अलग सब अलग अलग कलर के हैं। एक ये है ग्रे पे वाइट टोन वाले, ये मेरे पास 6 हैं। इनका 6 का सेट आया है, ये सब अलग अलग हैं। देखो ये है ऐसा, इस पे सर्कल बने हुए हैं, इस पे ये डिजाइन है, एक पे ये इस तरह का डिजाइन है, एक पे इस तरह का डिजाइन है। ठीक है, ये मेरे पास 6 हैं। ये मतलब सब पे अलग अलग पैटर्न है इन पे। ठीक है, फिर मेरे पास है ये ब्राउन कलर में, ये भी मेरे पास 5 का सेट है। ब्राउन कलर में ही मेरे पास ब्राउन और वाइट ही ज़्यादा है,
ये भी ब्राउन में है, ये भी मेरे पास 5 का सेट है, और एक ब्राउन में ये हैं। ये तो एक वीडियो में शायद आपने देखे भी हैं। तो जो ये वाले हैं, ये भी मैंने खुद बनाए हैं कपड़ा लेके, ठीक है। ये ऐसे इनमें जिप लगा के और ऐसे बनाए हैं। ये भी 5 कुशन हैं और 2 राउंड पिलो कवर हैं। राउंड पिलो कवर ये रहे, ठीक है। ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं। एक ब्राउन कलर में ये वाले हैं, लेकिन ये ऐसे आप मत लेना, क्योंकि ये इस पे बहुत सुंदर ब्लैक प्रिंट हो रखा था। अब वो 2-3 बार वॉश करने से ही सारा हट गया है, तो ये मेरे बेकार हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ अब इनके अंदर रुई भर के इनकी गद्दियाँ बना लूँगी मैं, तो फिर इन किसी में भी फिल करेंगे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये अब ऐसे तो लगाए नहीं जा सकते, गंदे हो गए हैं। फिर बारी आती है इस इन वालों की। ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, और ये वाला मेरे पास दीवान सेट है। ये इसके 5 कुशन कवर हैं, 2 राउंड पिलो कवर हैं, इसके मैचिंग बेडशीट हैं। ये मेरे पास दीवान बेड सेट का कवर, वो पूरा सेट है एक। ये वाले येलो और ब्लैक कलर में, इनका भी पैटर्न सबका अलग अलग है। ये भी मेरे पास 5 है, सबका अलग अलग पैटर्न है इनका भी। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं लगने के बाद। और मेरे पास सबसे पुराना सेट है। ये मैंने कम से कम 15 साल पहले खरीदा था। ये भी दीवान सेट है, 2 बेडशीट हैं इसके साथ, 5 कुशन कवर हैं और 2 राउंड पिलो कवर हैं। राउंड पिलो कवर इस तरह के हैं। एक रेड कलर में ये हैं, ये भी मेरे पास दीवान का सेट है, 5 कुशन, 2 राउंड पिलो कवर और 2 बेडशीट। ये भी मेरे पास 5 हैं रेड। जब कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी, जब बिछाऊंगी तो आपको जरूर। और ये वाले तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो मैं अभी मार्केट से लेके आई थी, ये वो वाले हैं। ये भी शेयर किया था आपके साथ, और ये वाला भी, और ये वाला भी। और अभी एक पूरा एक सेट बाहर वाले सोफों पर लगा हुआ है, एक सेट ड्राइंग रूम के सोफों पे लगा हुआ है, और एक सेट अब आगे रूम में लगा हुआ है ऊपर। तो टोटल मेरे पास काउंट तो मैंने किए नहीं, लेकिन काफ़ी सारे हैं। और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं जुड़ती हैं कि मैं सोचूं आज ही जाऊं और बहुत सारे खरीद के ले आऊं, तो ये ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत सालों से जोड़ रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अरेंज करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे पैसे लेके जाओ और बाजार से खरीद के ले आओ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ना, जैसे मैं जोड़ रही हूँ आप भी जोड़ सकते हैं, और बनाइए अपने घर में एक अच्छा कलेक्शन। ये कुशन की बात नहीं है, आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं जिसकी आपको हैबिट हो, जिसका आपको शौक हो। मेरे को शौक है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने का, अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक ही साथ सब कुछ ले आती हूँ, धीरे धीरे करके ही सब कुछ जुड़ता जा रहा है। तो ये सब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और आप मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। नमस्ते, बाय बाय।